अस टे ढी का जमाए सगुरी गोठ जहाँ मू वी कुछ जो पर बंद जो टुटो आ अस उन संभाल उन टाइम ही बंद को दिनल सिर्फ वह बंद हो उनके अस संभाल तकरीबन 4000 कट्टा अस उनमें लगाया टे जगह सफा खतरनाक जगह जहाँ डीसी साहब के डेली डीसी साहब इंदो रो उनके डेली रिक्वेस्ट कई मुझे सर एक्सीवेटर मशीन जो चेन वारी जहाँ उन साइड वेंदी उन घर के बंद कंदी सभी हिंसर हिंसर हजार का कट्टा भरिया ये रखा स्पेयर में हाँ अस इनके इनके बंद के काबू करण बीठा असं कंदे अस सांगड़वारन ला गोठवारन ला सभी के ला अस हाँ इन बंद के काबू कर 100 का 150 मू हिंसर इतने मुझे मौजूद हैं जैसे इन बंद के काबू करण के लिए एनी टाइम तैयार हैं इंशाल्लाह इनके रोकींदे जो रोके सकियासे फिलहाल इन जो जो मुस्तकिल जो हल है हिंसर वो मिठड़ाऊ के कट दी अने तो बेहतर थी पंजटी टेटी किलोमीटर जो पानी आ जो सजो इत लंघ छो तो बरसात जो पानी नो बोड़े बोड़े पो तो जो शाखू हलन थी छह शाखू हलन थी सदरट वन सदरट टू मंगली समात्री पो लुंडी शाख ये फीडर पंज छह शाखू हलन थी मुसलसल हलन थी उन बोड़ो है इनके इतने डीसी साहब आयो मुझे मेहरबानी करे मिठड़ाऊ हले तो पो उन बंद कराए वो जो पानी आ इन सिमनाले के तुम ओडा कटो ताकि तो उनको प्रेशर टूटे इन पानी जो प्रेशर टूटो जैसे पानी उतना तेजी से निकल तो ही प्रेशर टूटी वो अना डीसी साहब मुझे चो तो कराया तो पर अना ते तो मुझे मथा का इजाजत नी मिले तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर जो जो फासलो आ बिल्कुल उनमें 5-6 फुट पानी आ वो पानी टोटल अची ते गड थियो अल्लाह खैर करे बस अल्लाह सांगड़ के बचाए असा सब जो सो कोशिश कयूं पिया तो केड़े भी हाली हालत सा केड़े भी तरीके सा सांगड़ सिटी बचाणो आ मेहनत करनी आ सब भायर दोस्त गड जी इनते कोशिश कन जो सो सब कोशिश कंदा तद ही मसलो हल थो इंशाल्लाह उम्मीद है असा के असा सांगड़ बचाईंदी कें भी हालत में हर सूरत में कें भी तरीके से असा के सांगड़ सिटी बचाणो आ मैं सलाम पेश करता हूं इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में हमेशा आर्मी हमारे साथ होती है पहले भी है आज भी है तो क्यों ना इस नाअहलसंद हुकूमत को एक तरफ करके हुकूमत वक्ती तौर सिंध की आप संभालो खुदा और रसूल को मानो इस बयान को रिकॉर्ड में रखो मैं तो उनको कहूंगा सिलेक्टेड वो क्यों कि आज ना नवीद डेरो का यहाँ घर है ना उसकी कम्युनिटी है ना उसको कोई दर्द है ना यहाँ की इंतजामिया को कि खाला का बेटा यहाँ रहता है अगर यहाँ रहते हैं तो पीर साहब के मुरीदीन रहते हैं उनके फॉलोअर्स रहते हैं और हम जैसे वर्कर रहते हैं अगर हम किसी का जानी माली नुकसान होगा तो हमारा होगा उनका कुछ नहीं जाता उन्होंने सेल्फियाँ निकलवानी है नेशनल इंटरनेशनल फंड्स लेने हैं उन्होंने हम जितना डूबेंगे उनको उतना ज्यादा फायदा होगा लिहाजा उन्होंने हम सबको डुबोना है ये मैं आपकी तवज्जो से कहना चाहता हूँ वफाकी इदारों से कि वो आए वो इंटरप्ट करें और मौजूदा हालात में अगर वो मुदाखलत करके ये जो हमारी सजेशन है वो सजेशन ये है कि बांध को बंद किया जाए बांध को कट दिए जाए पंपिंग स्टेशन चलाई जाए तो ये पानी का प्रेशर कम होगा अदरवाइज 6 शाखें पीछे चल रही हैं उनको भी बंद किया जाए नहीं तो ये बंद बंद कुछ नहीं करेंगे आपके सांगड़ को टिम्मू को आपकी ये पूरी जो तकरीबन यहाँ से 50 किलोमीटर आगे सबको डुबोएंगे ये इतना पानी है Thank you.
आवाज सही है, वॉल्यूम देखो ना बस जी। नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन वक्त अस मौजूद आयों घारे वाले हंध जो वर्कशॉप का बटी चक का मुख्तलिफ़ चकन का तबाही मचाइन सब इलाका जो बोड़ी इन वक्त सांगड़ के वेझे जो सो इन सैलाब जो रेलो जो अच्छी पोतो हिंसर असिन से घारे वाले हंध मौजूद हूँ। अस जो सो जी डी ए जो काउंसलर भी जो अस मौजूद आ साई सैयद अमीर अली शाह साहब अच्छे दिन का पुछू था ही इन बारे में बुधाइन जी सही बिस्मिल्लाह रहमान टे ढी का जमाए सगुरी गोठ जहाँ मू वी जो पर बंद जो टुटो आस उन संभाल उन टाइम ही बंद को डनल सिर्फ वो बंद हो उनके अस संभाल तकरीबन 4000 कट्टा अस उनमें लगाया टे जगह सफा खतरनाक जगह जहाँ डीसी साहब के डेली डीसी साहब इंदो रो उनके डेली रिक्वेस्ट कई मुझे सर एक्सीवेटर मशीन दियो चैन वारी जहाँ उन साइड वेंदी उन घर के बंद कंदी चू अज अचे पी सुबह जो अचे पी रात भी डीसी साहब इतने हुए उन भी अच्छा सुबह जो फर्स्ट टाइम शाह तुम मशीन पहुंची वी एक्सीवेटर वह मशीन अना तई को आई है उतई खा ही टुटो जैसे मेल टुटो उन मेल टी मू मुझा आऊँ उत हुस तो मानून के उतं का कढ़ो आ मू रवानों किया उत बीठो आया हाँ 5 खां 10 फुट घारो पो इनके एडे वे कि आवाम तो कौन थी रोके सके मशीनरी रोके सके थी मशीनरी इन्हें डिनी को इन वजह से अस वही मुश्किल से जो सो यो भी इन गवर्नमेंट वाले की मेहरबानी चाहिए जो इनके बंद रही अन अगर हि बंद न डनल हो तो इन मल ती हि पानी सांगड़ नवाबशाह रोड पर सिंजोरो रोड इन सारे मुल्क के मुतासर करे बिल्कुल को दिनो मुतालबा जो भी असा इनका कहें अस मुतालबा इनका ये शूं क्यों पानी वाला कूलर मानून के पीने के लिए टे मेल में सिम नालो आ 5 किलोमीटर में टे मेल 5 किलोमीटर में सिम नालो आ तो इन में 5 किलोमीटर असाज मानून के का इन अप्रोच को दिनी पानी जहाँ कूलर को दिना हैंड ट्रॉलियों घुरी हुई हथ वाली साई सिर्फ वायदा क्या इन सिर्फ गाल दिनों इन मल तुझ भी को मून इन मल तई भी ये गायबन इन मल तई भी यह जमायत असाई मुझे गोठ जहाँ मू सभी मुझे गोठ जहाँ मू मुझे वार्ड जहाँ मू बीठा सभी ये हिंसर 1000 का कट्टा भरिया ये रखियान स्पेयर में हाँ अस इनके बंद के काबू कर बीठा असं कहें अस सांगड़वारन ला गोठवारन ला सभी के ला अस हाँ इन बंद के काबू कर 100 खां 150 मू हिंसर इतने मुझे मौजूद हैं जे इन बंद के काबू कर एनी टाइम तैयार हैं इंशाल्लाह इनके रोकींदे जो रोके सकियासे बाकी अल्लाह ताला की मेहरबानी जी चाहो हुर जमायत वही तादाद में इतने मौजूद है हुर जमायत ही आखिरी जो सांगड़ के बचाने के लिए जिन से उन जगह से बाहर निकता है हुकूमती मशीनरी जी मशीन का अलावा असा नथो नजर अचे तो गवर्नमेंट जहाँ के जिन से अमलदार कुछ हों पर नजर उ इतना घट को अचन अचो तो इन हवा से फंक्शन मुस्लिम लीग जिले सांगड़ के सदर नाना गुलाम दस्तगीर साहब असते मौजूद हैं हि सुबह का घारे वे हंध मौजूद रात का टोड़ी रात का भी ये वक्तन ब वक्तन इन घारे वे हंध चक्कर लगाइंदा रहा दिसंदा रहा इन मौजूदा सूरत हाल का भी हि डिप्टी कमिश्नर सांगड़ वस वार आगाह कंदा रहा पर बदकिस्मती है ये एक हिजब इख्तलाफ में ही वेही रहा को इकतदार में ना जिन्हें वट इकतदार जो वागियों उ वही सुम्ही रहा उनके आगाह कंदा रहा वक्त का अगे जैसे सिम 32 चक 54 चक का वर्कशॉप का फौजी मोड़ का जैसे पानी अचान लगो तद इत के भी किस्म जड़ा उपाव न वरता व्या हुआ जो अज ही सूरत हाल अस न दिसनी पाया अचो इन हवा से असके पुछूँ साई कि पानी जो इन वक्त एडी खतरनाक सूरत हाल तक पौती है सांगड़ तक ही है सांगड़ ही समझा तो अल्लाह माफ़ करे ही हद तक वन झोल तक हल केसी थी वही मार थी करे ता समझो हाँ ही आखिरी उम्मीद है बंद जी ही अना भी टेटी तकरीबन 35-36 किलोमीटर जो पानी आ जो सजो इतना लंघन छो बरसात जो पानी न तो बोड़े बोड़े पो तो जो शाखू हलन थी पे 6 शाखू हलन थी पे सदरट 1 सदरट 2 मंगली समात्री पो लुंडी शाख ये फीडर 5-6 शाखू हलन थी पुसल हलन थी पे उन्हें तो बोड़ो आने एरिकेशन हथ से वी इन पास बोड़ो आ पानी उन्होंने नारे से घट वजन वजू छो तो सब मू बरसात में बुढ़ा पाया उनके पानी हथ कड़िया वह शाखुन में सो जो पानी खे पे अचे अंत में उन शाखुन के बंद कराने में नाकाम वही है।
जो ही पानी इन वक्त जो सतह नजर अचे पी रोड की सतह का मथे पानी हि तुम पान ऐसो था मुझे ख्याल में रोड की सतह का डेढ़ फुट मथे थी पानी बिल्कुल मथे हि बंत से सुबह का रात का बदल शुरू क्या ये एतरा मजबूत भी तो नजर को अचन बा कोशिश क्यों था जहाँ बेहतर थी अल सही कह बेहतरी थी वी हली जो असा कोशिश है पीर साहब जो हुकुम है तो शहर वाले की मदद कर पाड़ेर की मदद कर सब दोस्त अची आन इतना पाड़ेरा भी अची आन जमायत जब सब दोस्त इतने गदन इंशाला कोशिश जमायत दोस्तों की कोशिश था अस सब गजी कोशिश कहें तो इन पानी के जो लंघ है उन्हें का कंट्रोल करे उन्हें के सही तरीके से उन्हें पानी की जायद मान निकरी वे ताकि शहर जो बचा थी अच्छा पानी के गुलाम दस्तगीर साहब रस्तो केड़ो मिलंदो आखिर सो पानी आ पानी छे का पानी अच्छे पियो 3.5 किलोमीटर का पानी अच्छे तो पियो सिमन आलन जो खाटियो ना हैं सो द गवर्नमेंट साईं मुराद अली शाह आई नवी डेरो साहब सांगड आयो ते वजी अला वटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान चयो सी जे आऊं मुतमईना इरिगेशन वारा जे केन से हुए सिमन आलन जो कम सही पे थे कन तो प्याज कड़ो सही कन जो मेन रोड अटन उतना तुम ऐसो तो ब किलोमीटर उन्होंने खाटी खड़ा अन बाकी तीन जो ही रहती है असल दिसो ना शाखुन जो पानी जो वो बरसात तो को कटी सी ना बरसात वो पानी सिमनाला कटी सकता शाखुन जो छह छह शाखुन जो कि बरसात कर पानी हि कि कटा सिमनाला निकरी पानी तो ये उनके कर वजन थे पो कोशिश है दोस्तों की सबर से कम वो पव सी के अला बेहतरी कहो अगे भी 2011 में तद हुई तो बाईपास न वल तद पेरे ढी में शहर का पानी अची वो पर अलहमदुल्ला हिंदर बाईपास से रोड ठेल है अस समझू था कुछ न कुछ वो काफ़ी मजबूत है पर कोशिश कभी तो अना के भी मजबूत किया ताकि उन लोड न थे अच्छा उन सिम नाले जो जेका कैपेसिटी है उन पानी जैसे ही गुजरन ही पानी तो ये पानी छोड़ कि पानी पाँच रस्त अख्तियार करे तो पो परे पास बराबर कर वो तो उतने उनके फैलजे पो पानी वो फैल ही पानी जाए वो तकरीबन पंजन छह किलोमीटर में वो अच्छी पॉकेट गड थी पानी जो पो आस्ते आस्ते निकरंदो वेंदो तो यो तकलीफ थी जरूर इन जे सेटलर दोस्त इन्हें वही तकलीफ अची वही है हिंसर भी तमाम घनी तकलीफ अची वही अच्छा 2011 में मिठड़ाऊ के कट दिनोसी जैसे इंतजाम हुआ तुम संभालिया पे निगरानी कई पे रात ढी सिम नाले से वेठल हो हाजी खुदा बे साहब वेठल हो जादम फकीर पान मरूम उ वेठल हों हुआ नाजिम सांगड़ जहाँ सब वेठल हों हुआ तालके नाजिम ही सब सांगड़ में वेठल हों हुआ तो इन वक्त उन सिम नाला तो यतीम ही हाल है उतरे तो चार इंच पखो लगाए ये सब सुमी रहा है नजर तो केर भी को अचे अदा ऐसो 2011 वाली बोर्ड में जो मिठड़ाऊ के कट लगाई अज मु डीसी साहब के अर्ज किया इतने डीसी साहब आयो मुझे मेहरबानी करे मिठड़ाऊ हले तो पो उन बंद कराए वो जो पानी है सिमनाले के तुम ओडा कटो ताकि तो उन प्रेशर टुटे इन पानी जो प्रेशर टुट जैसे पानी उतना तेजी से निकरण तो हि प्रेशर टुटी वो जो अना तीन डीसी साहब मुझे कराया तो पर अना तीन चे तो मुझे मथा का इजाजत नी मिले महसूस कर रही है हथ वी सांगड़ के बोड़ वो जैसे 2 महीना अग में जैसे बुधा वो तो भाई एहतियाती तदाबीर अल्लाह बेहतर कह हाँ सारी दोस्त अची गन सब अची पाड़ेरा भी गडियान हिम्मत कंदा एकड़ो हथ कंदा त इंशाल्लाह मजबूत थी इंदो जरूर असे इन वक्त और जमायत अलहमदुल्ला पीर साहब जे हुकुम ते सा सब मौजूद भी निकता आयो और जमायत भी सजी गद आए अई बिल्कुल शहरी भी सब सांगड़ जा शहरी भी गदन मुख्तलिफ कॉलोनी वारा जे के रहवासी न वो भी गदन अई कोशिश कन पया इन हवाले सा अच्छा हेठ जका पूछड़ी जी तरह पानी जको वने पयो मुख्तलिफ वीडियो वायरल थियो न ओडी त जंग भी लगा पया न सिमनाले में को ही की थिंदो अग्या जको मेन आए एलबीओडी जो वडो जको नालो आए बदीन पदे वने वो वने थो पयो बदीन पर वो मथा का पानी खयो पयो छे ता सांगड़ जो ही पानी काफी आ जको हन ते लोड तमाम वडो आ वो फुल पयो हले वो जने होता का लहदो तो पो ही न पानी के स्पीड सा निकरंदो पानी आए फिलहाल इन जो जको मुस्तकिल जको हल आ हिंजर वो मिठड़ाऊ के कट दीनी अने तो बेहतर थिंदो जी इन वक्त असा गड एजाज जरदारी भी असा सांगड़ जहा बेहतरीन एक सियासी वर्कर भी एकड़ा बिजनेसमैन भी इन हवाले से अचो असा इनका पूछूँ था तो ये मौजूदा सूरत हाल जी एडी वी तबाही पानी जी मचाई है ये आखिरी की हिकमत अमली जी अगर सुने नमूने अगर अग से वक्त से कबल वक्त कई वे तो तुम समझो उन्होंने एकदम कया जी डीसी साहब मीटिंग में अनाउंस कह एकदम तक नजर आया
अदा असल में छा है जो पानी तमाम घणो आ इतां खां तकरीबन कोई 40-50 किलोमीटर फासलो आ वर्कशॉप मुंड जमड़ाओ इहो टोटल पानी अची इते गड थियो आ सिम नाले खे सिमल नालो ओवरटॉप थी वियो आ ऐं तमामु घणो पाणी आहे सॼो तक़रीबन गुजरी साइड आहे वर्कशॉप साइड आहे टोटल पाणी 11 चक 10 चकर टोटल हिते गॾु थियो आहे तक़रीबन कोई 30-40 किलोमीटर जो जेको फ़ासिलो आहे बिल्कुलु उन में 5-6 फुट पाणी आहे उहो पाणी टोटल अची हिते गॾु थियो आहे अलाह ख़ैरु करे बसि अलाह सांगड़ खे बचाए असां सभु जेको आहे सो कोशिशि कयूं पिया त कहिड़े बि हालति सां कहिड़े बि तरीक़े सां सांगड़ सिटी बचाइणो आहे महिनत करणी आहे सभु भाइर दोस्त गॾिजी इन ते कोशिशि कनि ऐं जेको सो सभु कोशिशि कंदा तॾहिं ई मसिलो हल थींदो इनशाला उमेदु आहे असांखे त असां सांगड़ बचाईंदासीं कंहिं बि हालति में हर सूरत में कंहिं बि तरीक़े सां असांखे सांगड़ सिटी बचाइणो आहे उन लाइ पाणी जो तमामु घणो ज़ोर आहे तक़रीबन कोई 10-15 फुट पाणी आहे अॻिते खां सो पोज़िशन ॾाढी ख़तरनाक आहे अलाह माफ़ी करे अलाह माफ़ करे पोज़िशन ॾाढी ख़तरनाक आहे इन लाइ तकरीबन जेके भी असांजा दोस्त आहिनि जेके वसर आहिनि सभिनी खे अपील कयूं था इंतिज़ामिया खे अपील कयूं था जमायत सगूरी खे अपील कयूं था हीउ तव्हांजो शहर आहे असांजो शहर आहे सभिनी दोस्तनि जो शहर आहे सभु गॾिजी मदद कयूं सभु गॾिजी कोशिशि कयूं सभु गॾिजी कमु कयूं इनशाला इन जी रिज़ल्ट सुठी मिलंदी उमेदु आहे असांखे अलाह ते त इनशाला सांगड़ शहर बची वेंदो इनशाला हा जी नज़ी हीअ एजाज़ ज़रदारी साहिबु जंहिं जो चवणु आहे त असां हर हाल में सांगड़वासी सभु गॾिजी करे साह जे आख़िरी घड़ी ताईं बि कोशिशि कंदासीं ऐं असांजी इहा कोशिशि जारी ऐं सारी आहे त असां सांगड़ सिटी खे असां बचायूं सांगड़ खे कंहिं बि सूरत में न ॿुॾणु ॾिनो वञे ऐं नाना ग़ुलाम दस्तगीर राजड़ जो चवण बि आहे उहो मौक़ुफ़ु अव्हां जे साम्हूं आहे अव्हां हुनजो मौक़ुफ़ु ॿुधो त हिन जो वाहिद हिकिड़ो ई हल आहे पहिरीं ॻाल्हि त हिन खे ॿोड़ण वारा इरीगेशन ड्रेनेज इरीगेशन सिस्टम जेको सॼो नाकार आहे ऐं उन्हनि जो ई कसूर आहे उन्हनि जे ई कसूरवार आहिनि जिन्हनि ते सिम नालनि जी खाटियूं न कयूं ॿियो अहिड़े हाल में बि जॾहिं ही सैलाब जी हाल लॻी पई त मुख़्तलिफ़ शाखूं जेके आहिनि उन्हनि खोले छॾियूं जंहिंमें उन्हनि पाणी उन्हनि छॾे ॾिनो त यकीननि जेके आहिनि से सूरत हाल ते कंट्रोल थियणु जेको नामुमकिन हो ऐं इन्हनि जो इहो पिणु ग़ुलाम दस्तगीर साहिबु पिणु इहो चवणो त असां डिप्टी कमिश्नर सांगड़ खे असां इहा एडवाइस बि ॾिनी आहे त 2011 में जॾहिं सैलाब आयो त असां कट ॾिनोसीं मिठड़ाऊ खे त जॾहिं इहो पाणी जो प्रेशर जॾहिं घटि थियो मिठड़ाऊ तर वञी रहियो त तॾहिं वञी इन जेका असां मुश्किल जी घड़ी मां निकितासीं पर डिप्टी कमिश्नर सांगड़ खे गुज़ारिश कयूं था ही सांगड़ जी आवाम आहे अॻे ते नाहल DC खां जेको पहुची सघियो उहो त असांखे हथनि सां तबाह करे असांखे सांगड़ वासियुनि खे वियो हुजो पर मेमण साहबु असां तव्हांखां उमेदु रखूं था ऐं इनशाला उमेदु आहे तव्हां सांगड़ खे बचाइण जी भरपूर कोशिशि कंदो तव्हांजी टंडो आदम छा पर पूरो ज़िलो छा सभु तव्हांजी ई ज़िमेदारी आहे पूरे सांगड़ ज़िले ते नज़र रखणु तव्हां पूरे सांगड़ डिस्ट्रिक्ट जा जेके जेके तव्हां हेड आहियो ऐं तव्हांजो इहो फ़र्ज़ु आहे त तव्हां इन्हीअ ते तवजो ॾियो ऐं पंहिंजी सॼियूं सलाहियतूं इन ते इस्तेमालु कयो ताकी सांगड़ सिटी जेको आहे उहो बची सघे छो त इहे चकनि वारा जेके बि असांजा ॿोॾ मुतासिरी आहिनि ऐं इर्द गिर्द वारा जेके आहिनि उहे के रोडनि ते किननि पनाह वरितियूं आहिनि के सिटी सांगड़ में आहिनि ऐं उहे सांगड़ शहर में आयल आहिनि सांगड़ शहर में कई न कई मुख़्तलिफ़ हंधनि ते उहे पनाह वठियो वेठा आहिनि तो इन करे कोशिशि कयो त मिठ हिन खे मिठड़ाऊ खे कट ॾिनो वञे ताकी सांगड़ जेको आहे सो सैलाब ऐं हिन ॿोॾ खां जेको आहे सो बची सघे जी नाले असां सां हिन वक़्तु मौजूदु आहे असां सां गॾु असां गाड़ी वारे मौजूदु आहियूं ऐं नवाब शाह रोड ते असां सां गॾु सांगड़ प्रिंसिपल जो साबिक़ सदर दर साहिबु मौजूदु आहे अचो त जेका ई मौजूदु जेका ई गाड़ी जी सूरत हाल आहे पूरो सांगड़ जेको आहे शहर सिटी इर्द-गिर्द जा जेके ॿिया इलाइक़ा आहिनि उहा सॼी जेके आवाम आहे हींअर उहा एतिरी परेशानी वारी हालति में आहे एतिरो शहर अफ़रा तफ़री में सॼो जेको आहे फैलिजी चुको आहे माण्हुनि में त इहो अगरि हीउ टुटो त सांगड़ में हू उन्हनि खे पंहिंजी 2011 वारी बोर्ड खां बि ख़तरनाक अची रही आहे अचो त हिन हवाले सां असां हिन खां पुछूं था त हिन जो छा चवणु आहे जी साईं पहिरियां तव्हां ॾिसो जेको अॼु जमायत जा माण्हू जेके नौजवान आहिनि या जमायत जा मौजूदु आहिनि हिते मौजूदु आहिनि कमु करे रहिया आहिनि जेको मदद जो कमु इंतिज़ामिया जो आहे तव्हां
तुम सांगड़ जिले में डेढ़ का बिन महीन का बरसात जो सिलसिलो है पर जैसे ये 15 दिन का बरसात तेज आई है हजारे मूल वो बेघर थे हजारे मानू जो रोड रस्तन से वेठा बसू बार औरतूँ तुम सांगड़ जिले में हिं वक्त तीन एक वेले की मानी जो गवर्नमेंट के तरफा एक वेले की मानी उन्होंने माना मुयसर न थी सके या न उनके रहने को टेंट दिनों हुआ पर मानू पानी मदद पान तहत जो कर रहा है सांगड़ तुम सुनने चैन दिन का घुर्जमाय जो नौजवान हुआ वो जो तौर पर मदद कर कोशिश कर रहा तो सांगड़ के शहर के बचाए पर चैन दिन का अभी जैसे सुबह जो असर घारे वाले हंधा पौतासी तो उत्तर तकरीबन 15 का 20 फुट घारो लगो उतने जैसे डीसी साहब उतने पौतो तो डीसी साहब के ये डीसी साहब जो मशीन थी वो सामान या वो शुभ अचन थी पर तुम ये सत थी शाम जो सत थी रहा है पर अना तीन उन्होंने मशीन थी या सामान वो न पोची सको घुर्जमाय जो खड़ी पे वरिया फकीर जो मतलब रसुला है मक्षर मुस्लिम लीग जिले सांगड़ जो गुलाम दस्तगी राजा या जो मौजूद जो जमायत आज मक्षर मुस्लिम लीग जहाँ जी इतने पौतान मानों के वही वो मदद पान तहत कोशिश कर रहा है उन्हें घारे के बंद किया वे तो सांगड़ के शहर के बचा तुम ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो शहर है उनके बचाने लाइ इंतजामिया के तरफा चार पंजन दिन का तुम पानी को प्रेशर जो मुसलसल जारी है इंतजामिया के तरफा अना तक अले सांगड़ में तुम ऐसो माना अस मुख्तलिफ मीडिया की टीमों का जैसे असर खिपरो शदासपुर कंडोदम जाम नवादले मुख्तलिफ जिले के मुख्तलिफ इलाक में जैसे असर दौरों किया तुम ऐसो इतने मूल बेयारो मदद हजारे पर लखें मूल बेयारो मददगार बनल कें मूल के एक वेले की मानी भी न मिली है ना उनके टेंट्स मिले जो मूल सामान आयल है जो गवर्नमेंट के तरफा तुम ऐसो वो मुख्तलिफ मूल पीपुल्स पार्टी जो अगुआ उन्होंने बंगलों से पहुंचा वो है तुम्हारा मुतासर के न दिनों वो उतने महफूज रखो बंगलों में महफूज रखा है यो तुम्हें भले पीपुल्स पार्टी के मानों के मिले या कें मुतासर मानू वो कड़ी भी पार्टी का वाबस्ता होजन उन्होंने मिलन घुर्जे चाहे वो पीपुल्स पार्टी का वाबस्ता होजन फंक्शन मुस्लिम का वाबस्ता होजन उन्होंने मिलन घुर्जे पर तुम ऐसो अज की तीन उन्होंने वो मानू सामान मुयसर न थी सको है तुम्हारा ये सांगड़ शहर के अना खतरो तरह ना है अना खतरो मौजूद है जैसे बिखड़ाऊ कैनाल 2011 में असा इतने सैलाब में कम कर 2011 में बिखड़ाऊ कैनाल के जैसे कट लगो तो सांगड़ शहर में तो सांगड़ शहर जो पानी या जो घर पास जो पानी वह मुंतकिल बिखड़ाऊ कैनाल में उन्होंने कुछ बचा तो हाँ इंतजार सांगड़ शहर अना अला की मेहरबानी बचल है पर कट बिखड़ाऊ कैनाल के लगाया वाले रात तीन तुम वो खर्च अची वो इनकर इंतजामिया के तक इतने स्टेक होल्डर जो मुख्तलिफ पार्टी जन उन्होंने विहार इंतजामिया के मानों के विहार उनका वही लाहेमल टाइम तो असा हाँ शहर के बचाण आ मानों के बचाण आ कि बचाजे पर इतने इंतजामिया के नाले या कोई भी शै ना मानू पानी मदद पान तहत जो कोशिश कर रहा हाँ तुम मानू पानी मदद पानी मदद पान तहत केतो कदा पर कोशिश कर रहा हूँ अज वरी घुर्जमाय जो फौज जिते मौजूद हैं कोशिश करना चाहते वही सांगड़ शहर के साथ हुकुम तो बाबा सांगड़ शहर उनकी पस करता है जो गोठ अचन था उनमें यो ना दिखो जो घुर्जमाय जहाँ गोठ जो बिन पार्टी मानों रहन था उन्होंने कोशिश कर ही असा मू सिंध जहाँ मानू ये सिंध जहाँ मानू असा जहाँ मानू पाकिस्तान के पाकिस्तानी कोशिश कर हर मानू मिथे माल आ वक्त बुद्धी उन कोशिश कर हर मानू के बचाए समेत बिलखसूस सांगड़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथों से इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। आइए मुख्तलिफ मैंने अपने व्यूअर्स से व्यू लिए उनकी यही राय थी कि ये हमें जानबूझ के हमें इस हालत में धकेल रहे हैं हमें इस हालत में ये लेके आए और आज सांगड़
इस सूरत हाल में कि अल्लाह ना करे किसी भी टाइम जो इस वक्त जो बंद बांधे जा रहे हैं, ये मुसलसल जो ये सुबह से ये जो आखिरी बंद जो आखिरी उम्मीद है पानी को रोकने के लिए, अगर सबका ये कहना है अगर मिठड़ाऊ को कैनाल को अगर कट ना दी गई और डिप्टी कमिश्नर सांगड़ से नाना गुलाम दस्तगीर राजे वाल ने भी और दीगर पाकिस्तान फौज मुस्लिम लीग के जो भी अहदेदारान MPA भी उन सब ने भी कहा है, लेकिन मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर सांगड़ निसार मेमन साहब को भी रोका गया है। निसार मेमन साहब, मैं आपसे डायरेक्ट आपसे भी मुखातिब हूँ और ये पूरी आवाम गवाह रहेगी, ये चीज़ रिकॉर्ड पर रहेगी, खुदा ना खास्ता खुदा ना करे हमारे सांगड़ को अगर कुछ भी नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार सबसे पहले आप होंगे, क्योंकि उन हुक्मरानों की चमचागिरी आप कर रहे हो, उनका दिफा आप कर रहे हो। अब आइए इस हवाले से मैं जानता हूँ वकार अहमद जट को इनका क्या कहना है। हम भी सांगड़ के हैं और हमें 2011 का फ्लड अच्छी तरह याद है, उनको किस तरह से लोगों को सेव किया गया था, किस तरह से बचाया गया था और वो क्यों डूबा था, और वो हिकमत अमली भी एरीगेशन ड्रेनेज की ना अली थी, पहले भी वही थी आज भी वही है। जी नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए सलमान भाई, हम बारहा पहले एक महीने से मुसलसल इंतजामिया को आगाह कर रहे हैं कि ये नुकसान आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा आगे जाकर, और इस पानी को रोका जाए, उस पानी को डायवर्ट किया जाए। इंतजामिया ने हमारी एक नहीं की, हमने एप्लीकेशन की, हमारे दोस्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आपके रिकॉर्ड पर है। उसके बावजूद इंतजामिया ने इस पर एक पाइप का भी ध्यान नहीं दिया। जब 50 किलोमीटर ये पानी पीछे था, मैंने खुद ने डिप्टी कमिश्नर साहब से जाके मुलाकात की और उनको ये कहा कि मेहरबानी फरमाकर इस पानी को जो है वो डाइवर्ट किया जाए, मुख्तलिफ सेम नालों में इसको डालकर और जो है पंपिंग के जरिए बांध में डाला जाए। किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज ये पानी तकरीबन 100 से 150 गाँव को डुबोकर जब सांगड़ जिले शहर के सर पर पहुँचा है, तो आप देख सकते हैं कि पोजिशन क्या है। अब इस जो ये जो पानी है ये तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की मैले वकूल में फैला हुआ है। इसका जो प्रेशर है, मेरा जाती विजन ये है, इसका प्रेशर वो पिछला बंद टूट गया, ये बंद जो है हम इसको कोशिश कर रहे हैं जमायत और हमारी पार्टी के बंदे कि हम इसको मजबूत करें, लेकिन मेरा जाती ये अल्लाह पाक इसको मजबूत रखे, मेरा जाती ये विजन है कि ये भी टूट जाएगा। उसकी वजह ये है कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं खुद विज़िट करके आया हूँ, तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर के मैले वकूल में पानी फैला हुआ है और वो पानी सारा यहाँ आएगा। और इन्होंने प्री प्लान, हम डिप्टी कमिश्नर साहब को मुख्तलिफ फोरमों के ज़रिए ये आगाह कर चुके हैं कि मेहरबानी फरमाकर आज से 3 दिन पहले के बांध को कट दो, पंपिंग स्टेशन चलाओ तो ये प्रेशर टूटेगा। नहीं किया। आज रात डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा कि मुझे इरीगेशन वाले इजाज़त नहीं दे रहे। अगर उसको मेरी बात सुनो, मुझे इरीगेशन वाले इजाज़त नहीं दे रहे, वो बांध को बंद नहीं कर रहे, तो मेरी आप दोस्तों की तवसत से बाला हुकाम से ये गुजारिश है कि अगर 10 लाख बंदों को डुबो कर फिर आपको इजाज़त मिलनी है तो उससे बेहतर है कि आप फिर इजाज़त लें ही ना, क्योंकि अब मैं आपको आपके सामने खड़े हैं, पिछला जो बंद है 3-4 दिन की हमारे दोस्तों की जमायत और पीर साहब के मुरीदीन की मेहनत के बावजूद पानी ने ये बंद तोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो बंद है ये भी आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, पानी का प्रेशर इतना बहुत ज़्यादा है पीछे, अल्लाह पाक इसको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, लेकिन वो भी टूट जाएगा। ये प्री प्लांट है, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सदरठ टू लुंडी शाख समात्री समात और फीडर, ये पांचों शाखें आज भी चल रही हैं। पानी का प्रेशर कहाँ से कम होगा? वो सारी शाखें चल रही हैं जो इस पानी के साथ मिल रही हैं। जितना पानी निकल रहा है सिमनालों में उससे 10 गुना ज़्यादा पानी पीछे से शाखों के ज़रिए आ रहा है। तो इसे आप समझ जाएं कि इंतज़ामिया और मौजूदा हुक्मरान के इलेक्टेड बंदे, तो मैं तो उनको कहूँगा सिलेक्टेड, वो क्यों कि आज ना नवीद डेरों का यहाँ घर है, ना उसकी कम्युनिटी है, ना उसको कोई दर्द है, ना यहाँ की इंतज़ामिया का खाला का बेटा यहाँ रहता है। अगर यहाँ रहते हैं तो पीर साहब के मुरीदीन रहते हैं, उनके फॉलोअर्स रहते हैं और हम जैसे वर्कर रहते हैं। अगर हम किसी का जानी माली नुकसान होगा तो हमारा होगा, उनका कुछ नहीं जाता। उन्होंने सेल्फियाँ निकलवानी है, नेशनल इंटरनेशनल फंड्स लेने हैं उन्होंने, हम जितना डूबेंगे उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, लिहाजा उन्होंने हम सबको डुबोना है। ये मैं आपकी तवज्जो से कहना चाहता हूँ वफाकी इदारों से कि वो आएँ, वो इंटरप्ट करें और मौजूदा हालात में अगर वो मुदाखलत करके, ये जो हमारी सजेशन है वो सजेशन ये है कि बांध को बंद किया जाए
बांध को कट दिए जाए, पंपिंग स्टेशन चलाई जाए तो ये पानी का प्रेशर कम होगा। अदरवाइज 6 शाखें पीछे चल रही हैं, उनको भी बंद किया जाए। नहीं तो ये बंद कुछ नहीं करेंगे, आपके सांगड़ को, टिम्मू को, आपकी ये पूरी जो तकरीबन यहाँ से 50 किलोमीटर आगे सबको डुबोएंगे। ये इतना पानी है। लेकिन करें आज मैं मुख्तलिफ शहर के झूले के हूँ, मुझसे बात नहीं हो पा रही। मुख्तलिफ घरों में मतलब के इस तरह के टेंशन, आपको पता है इस तरह मर्द दलेरे काफ़ी निकला फिर मसला है। मेरे भाई मेरी बात, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। 10 लाख बंदे मुतासर हुए हैं, 20 लाख बंदे यहाँ, 22 लाख की यहाँ वोटर्स हैं सांगड़ के, 10 लाख बंदे मुतासर हुए हैं, जिनके घरों में माएँ बहनें जो ट्रेवल कर रही हैं, अपने सरों पर जिन्होंने सामान उठाए हुए हैं, वो क्या दुआएं दे रही होंगी। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। इनकी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डूबे, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर हों, क्योंकि उनका यहाँ कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए यहाँ आए, वो मकासद अपने हासिल कर रहे हैं, और हासिल करके वो हम सबको यहाँ डुबो कर अपने मुफादात हासिल कर रहे हैं। अब बांग के इल्तिजा करता हूँ, मेरा अल्लाह अपने हबीब पैंतन पाक आले रसूल के सदके हम पे करम फरमाए। मैं ये हाथ जोड़ के आप लोगों से हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, खुदारा इस्माइल हकूमत को मुअत्तल करके, एक तरफ करके आप सिंध हकूमत की निगरानी संभालें और फिलफौर सिंध में जो सूरत हाल है उसे कंट्रोल करें, और जो मुतासरीन हैं उनकी इमदाद के लिए इस वक्त भी आर्मी आई है। कोई MNA, कोई MPA, कोई उनके पार्टी के बंदे अंदर घरों में जाके उनको राशन या कहीं जाके उनकी अद्वियात वगैरह इनकी फरहमी का कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ, इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में हमेशा आर्मी हमारे साथ होती है, पहले भी है, आज भी है। तो क्यों ना इस नाअहल सिंध हुकूमत को एक तरफ करके हुकूमत वक्ती तौर सिंध की आप संभालो, खुदा और रसूल को मानो, इस बयान को रिकॉर्ड में रखो, और अगर आज और चंद इन लम्हे में कोई ऐसे फैसले ना किए गए, क्योंकि यहाँ तो DC कह रहा है मुझे इजाज़त नहीं मिल रही सिंध हुकूमत की, सिंध हुकूमत इजाज़त क्यों देगी इनको, इंटरनेशनल से फंड जो लेने, उन NGO से वर्ल्ड वालों से फंड लेने, सांगड़ को डुबो के फंड लेने, वैसे कहाँ से मिलेगा। जैसे मेरे वकार भाई ने कहा कि 2011 में मिठड़ाऊ को कट लगाया था, पानी का प्रेशर कम हुआ था, आज सांगड़ की सारी हवा में इतनी टेंशन, इतनी कंफ्यूजन वाली हालत में हमारी माएँ हमारी बहनें लाखों घरों की तादाद में चक्कू से वो ट्रेवलर करके दर बदर होके कहीं सांगड़ हैं, कहीं अपने अजीजों के पास कहीं और चले गए। अगर सांगड़ भी ये डूब गया तो यहीं से कहाँ निकलेंगे सब। खुदारा होश के ना, सिंध हुकूमत साइम मुराद अली शाह क्या कर रहे हो, आसिफ जरदारी साहब आप क्या कर रहे हैं, आपकी बेटी को खराश आई, आपके बिलावल को खराश आया, आपके घर में किसी की लाश उठाई। मेरे सांगड़ वालों से पूछो, मेरे सिंध के रवासियों से पूछो, उनके बच्चे बलूचिस्तान से लाशें पानी में बहती हुई, उनकी लाशें पानी में बहती हुई हमारे सिंध में हमारे मुख्तलिफ एरिया में पहुंची। वो खुदा को मानो कब आपकी आंखें खुलेंगी, पैसे बनाने के चक्रों में आपने हमारे पूरे सिंध को बर्बाद कर दिया। अरे वैसे ही पैसे चाहिए, आप पैसे ले जाओ, सांगड़ की आवाम क्या पूरे मुल्क की आवाम को वैसे भी मजदूरी करके अपना पेट का गुजारा कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। आज टमाटर 500 रुपए किलो है, अरे शर्म करो, डूब के मरो, अभी भी आप हुकूमत के चलाने के लायक हो। मैं कहता हूँ आका, आपका अगर जमीर हो चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, या आर्मी को कहो हमसे हुकूमत ले लो और खुद आओ इसको संभालो। और आपके बस की बात नहीं है, ना आपके बड़ों की जरदारी के बस की बात है, वो कभी भी नहीं आएगा और कभी भी इस मुश्किल घड़ी में आपके पास लोगों में नहीं आएंगे। अगर आए आज पीर साहब की और जमायत ने पीर साहब ने कहा दावा से कहता हूँ, पीर पगार की जमायत अगर या वो मर भी जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने 65 और 1947 में भी जब जंगे लड़ी
तो वो बॉर्डर पे खड़े होके उन्होंने पहले मोर्चे पे आज भी अपनी आर्मी के साथ है, पहले भी अपनी आर्मी के साथ खड़े रहे, आइंदा भी खड़े रहेंगे। खुदारा क्या कर रहे हो, किस तरह हमारे मुल्क का सत्यानाश कर रहे हो? अरे जरदारी, मैं तुझे दावा से मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी इस वीडियो को वायरल करना। पंजाब में पंजाब असेंबली के, अरे तुझे एमपीए खरीदने के लिए अरबों रुपए तेरे पास थे, कहां से आए, कहां से पैसे तेरे पास वो पहुंचे? और आज हमारे ये सिंध की आवाम, ये अपनी माए बहने, उनके भाई कहीं पे चढ़ गए, कहीं बाप उनका लाशों में बह गया, किनके बच्चे बेटियां लाशों बह गए, उनके लिए आपके पास आपका रिश्तेदार वो 50-50 का नोट दे रहा है, डूब मरने का मकाम है। इस मुश्किल की घड़ी में आला हज़रत पीसा पगारा ने अपने दरगाह के दरवाजे खोल दिए, अपने मुरीदीन को हुक्म किया अपने भी दरवाजे खोलो, और फ्लड के मुतासरी ने उनके खाने पीने दवाई अद्वियात साफ पानी पीने का इंतजाम करो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। सांगर निसार अहमद मेमन साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं दोबारा आपसे मुखातिब हूँ, मैं उन सहाफियों में नहीं हूँ जो आपके दरवाजे पे आके चमचागिरी करें, एफआईआर कटवानी है, थाने पड़े हुए हैं। और अगर मिठड़ाओं को कट नहीं लगी, खुदा की कसम सिंध में तेरे को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। सांगड़ की आवाम को इतना मजबूर ना करो, सांगड़ की आवाम को इतना मजबूर ना करो, आज ना यहाँ जीडीए वाला है, ना फंक्शन लीग वाला है, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े। मैं इल्तिजा करता हूँ फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और मैं अपनी आर्मी से इल्तिजा करता हूँ, हमें किसी में उम्मीद नहीं है, खुदारा हमें किसी में उम्मीद नहीं है, हमारी माए बहने पता नहीं किस कदर परेशान है, अरे मर्द तो हौसले वाले हैं, हम जैसे हम उनको देखते हैं तो हमारे भी अंदर जो है बहुत कमजोर पड़ गए, किस तरह से हम आपको समझाएं, किन अल्फाजों में समझाएं,